हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में भौतिक विज्ञान की परिभाषा और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में स्टडी की थी। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे भौतिक विज्ञान के विभिन्न पार्ट्स के बारे में। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। इसका फर्स्ट पार्ट है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम किसी वस्तु पर बल या उसकी स्थिति में परिवर्तन करके वर्क को अचीव करते हैं। इसके पार्ट से हमारे फर्स्ट पार्ट है मापन या मेजरमेंट, सेकंड पार्ट है इसका गति, गति में हमारी वन डायमेंशनल मोशन होती है, उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन होती है और थ्री डायमेंशनल मोशन होती है। इस तरह से सभी प्रकार की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका होता है वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में स्टडी करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है फ्लड मैकेनिक्स। इस तरह से हम मैकेनिक्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स का वेव्स। वेव्स तो इसमें जानते हैं हम वेव्स क्या होती है और इसके एप्लीकेशन क्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेव्स क्या होता है, एक डिस्टरबेंस होता है जिसके द्वारा एनर्जी और मोमेंटम का वन प्लेस से एनोदर प्लेस पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो वेव्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर और हीट, अर्थात तापमान और ऊष्मा के बारे में स्टडी करते हैं। अगला हमारा पार्ट है फिजिक्स का स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत में हम एक चार्ज जो रेस्ट में होता है तो वो किस तरह से वो अपना इफेक्ट शो करता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद इस नेक्स्ट टॉपिक से हमारा फिजिक्स का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न करता है, और जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो वो किस तरह से इंड्यूस करंट उत्पन्न करता है उसके बारे में हम स्टूडेंट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स का आधुनिक भौतिकी, जिसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो ये आइंस्टीन के लॉ पर बेस है और इसमें हम परमाणु को ब्रेक करते हैं, अर्थात परमाणु को ब्रेक करके उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे हमारा एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव कराते हैं और वह किस प्रकार से अपना इफेक्ट शो करता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाइट, प्रकाश। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, या हम कह सकते हैं कि लाइट हमारी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। इसमें हम इंसिडेंस पार्ट्स की स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्टेड पार्ट की स्टडी करते हैं और रिफ्रैक्टेड पार्ट की स्टडी करते हैं, ट्रांसमिशन पार्ट की स्टडी करते हैं। इस तरह से हम लाइट के डिफरेंट पार्ट की स्टडी करते हैं। देखिएगा, अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।